याद हो जाएगा। याद दोबारा होगी वो शोभित निज अनुभूति जुद चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। लिखना लिख लो हाँ, शोभित निज अनुभूति जुत, शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा। हाँ, शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, कौन से भगवान? हाँ, यह पद्धति गुण नाम है ये। चिदानंद भगवान कौन से है? आत्मा तो है ही। चिदानंद भगवान सभी अनंत सिद्ध हैं, जिन्होंने इस चिदानंद स्वभाव को पा लिया वे पर्याय में अनंत सिद्ध सब चिदानंद भगवान हो गए। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा, सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान, सभी पदार्थों में सार क्या है? आत्मा। और अपनी अनुभूति से शोभित कौन से? सभी चिदानंद भगवान, जिन्होंने अपनी अनुभूति से प्रकट कर लिया वे अनंत सिद्ध हो गए, और एक देश प्रकट किया वे आचार्य उपाध्याय साधु हो गए, और अविरत सम्यक दृष्टि भी भाव जिन, वो भी चिदानंद भगवान। अध्यात्म में चौथे गुणस्थान से जिन संज्ञा देते हैं, जिसने आत्मा को पहचाना वो भाव जिन है। ठीक है, अब अपना जो प्रकरण चल रहा है, हाँ, दूसरी लाइन का दूसरा पद, दूसरी लाइन का दूसरा पद, शोभित निज चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। ठीक है, सार पदार्थ, पदार्थ कितने होते हैं? उसमें सारभूत पदार्थ कौन सा है? जो नौ तत्वों में व्याप्त होकर के भी अव्यापी रहे, नौ तत्व गतत्वे पे यदेकत्वम न उंचति, नौ में व्याप्त होकर के भी अलग रहे। अपनी ग्यारह प्रतिमा का प्रकरण चल रहा है, कौन से गुणस्थान में होती है ग्यारह प्रतिमाएं? वेरी गुड, पांचवे गुणस्थान में ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन दिया, कितने कषाय के अभाव से होती है? एक को उत्तर देना है हाथ ऊंचा करके, मैं प्रश्न का जैसा स्वरूप है उसके अनुसार उत्तर देना है। कितने कषाय के अभाव से पांचवा गुणस्थान प्रकट होता है? बोलो आदि, तुम्हें आदि ना, हाँ बोलो। तो कितनी कषाय होगी? चौकड़ी मतलब, हाँ, चार कषायों के समूह को चौकड़ी कहते हैं। ठीक है, तो आठ कषाय के अभाव से होता है। कौन सी? ठीक है, जहाँ कॉमन उत्तर अपेक्षित होगा वहां मैं कॉमन में पूछ लूंगा, नहीं तो अपने हाथ ऊंचे किए और उसमें बोल दिया। अब यहाँ पर 11 प्रतिमाओं के लिए हमने कल परिभाषा थोड़ी सी समझी थी और उसका पूरा स्वरूप अभी समझेंगे। तो बनारसी दास जी ने यह गुणस्थान अधिकार में लिखा, क्या लिखा परिभाषा? कि संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा का को ना। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को याद ही है ये। अब इसमें देखो क्या है कि हम जैसे जैन कुल में जन्म लिया, धर्म का प्रारंभ कौन से अभियोग से होता है? देखो मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच समझ के हाथ ऊंचा करना। धर्म का प्रारंभ कौन से अभियोग से होता है? शुभ भाव रूपी धर्म का प्रारंभ, अभी धर्म मतलब वितराग का भाव नहीं, शुभ भाव रूपी धर्म का प्रारंभ कौन से अभियोग से होता है और क्यों? ठीक है बोलो। हाँ, क्यों? छोटा सा बच्चा द्रव्यानु कहाँ जानता है? नहीं, लॉजिकल में फेल,
हाँ प्रेरक बताओ क्या बता रहे हैं। चरणानियों से प्रारंभ होता है क्योंकि वो जब जन्मता है तब से माता पिता उसका दिन कैसे जीना है। इससे भी पहले उसे घर में क्या सिखाया जाता है, प्रथमानुभव की कथाओं से प्रारंभ होता है। जो हम बच्चे को मंदिर ले जाते हैं तो उसे क्या उपदेश देते हैं कि बेटा इससे अपना जीवन अच्छा होगा, हम सुखी होंगे, कहानियां सुनाएंगे उसको। तो प्रथमानुयोग को प्रथम अनुयोग कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथमानुयोग के बाद में वह मंदिर जाना आदि क्रियाएं जो है वे चरणानुयोग की क्रियाएं है। देव दर्शन को 8 मूल गुण में समाहित किया पंडित आशाधर जी ने। देव दर्शन मूल गुण है, क्यों है? क्योंकि जिन दर्शन बिना हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का प्रगटीकरण नहीं होता। जिन दर्शन जो जिसकी श्रद्धा रखता है वो उन देवों को मानता ही मानता है। आचरण के बिना श्रद्धा दिखती नहीं है। द्रव्यानुयोग तो अभी आपका हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखा देखी श्रद्धा होती है। मेरी माँ मंदिर जाती थी जैन मंदिर में, इसलिए मैं जैन मंदिर में जाने लग गया। अगर किसी मुसलमान के यहाँ पर किसी का जन्म हो तो वो जन्म से उस नमाज वाली एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा, हिंदू वाला हिंदू में एक्टिविटी में हो जाएगा। कुल अपेक्षा से आचरण प्रारंभ होता है। इस अपेक्षा से वह चरणानुयोग से जीवन जीना सीखता है। सबसे पहला अनुयोग तो प्रथमानुयोग, उसके बाद में आचरण में उतरता है वह चरणानुयोग। अब आप मंदिर जाने लगे तो आपने पूछ लिया मम्मी से कि भाई ये भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं, इनके हाथ में हाथ क्यों धरे हैं, इनके ऊपर वस्त्र क्यों नहीं है, ये शांत और प्रसन्न कैसे हैं? तो ये शुरू हुआ हमें स्वाध्याय के सन्मुख की प्रेरणा का प्रसंग। चरणानुयोग के बाद में प्रारंभ होगा द्रव्यानुयोग कि भाई इन्होंने आत्मा को जीत लिया, इन्होंने आत्मा के राग द्वेष विकारी भावों को जीता है। इसी को आत्मा को जीतना कहते हैं, आत्मा को पा लिया है, सुखी है, अनंत ज्ञानी है, सब लोकालोक जानते हैं, ये सब हम जानते हैं। उससे हम आत्मा की पहचान करने की कोशिश करते हैं वह द्रव्यानुयोग। फिर द्रव्यानुयोग समझ में आने पर उपयोग को रखा जाना चाहिए स्थिर। तो करणानुयोग के अभ्यास में विशेष एकाग्रता होती है, वो चौथा अनुयोग कहलाता है। स्थूल रूप से टोडर मंजी साहब तो कहते हैं जिसका जैसा मन लगे वैसा पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ो जरूर, अभ्यास जरूर करो। 8वें अधिकार में बोल रहे कोई क्रम ऐसा निमित्त नहीं है, लेकिन जिसको जहां उपयोग लगे वहां करना चाहिए, ठीक है। तो चारों अनुयोगों में चरणानुयोग से हम धर्म सन्मुख होते हैं। इसलिए सबसे पहले कोई भी कहीं में भी प्रतिज्ञा आदि देते तो बोले सबसे पहले मंदिर जाना शुरू करो, रात्रि भोजन छोड़ो, पानी छान के पियो। धर्म किसे कहा जाता है? आचरण को धर्म कहा जाता है, धर्म। और इस आचरण से शुभ भाव की भूमिका जमती है। शुभ भाव की भूमि में तत्व ज्ञान के अंकुर खिलते हैं, फिर उसे कहेंगे कि तू ज्ञान स्वभाव या आत्मा है तो समझ में आएगा। जो रात्रि भोजन करता हो, छल कपट करता हो, आलू प्याज कंदमूल या मांसाहार आदि के अतिचार पालन करता हो, उसको द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आएगा। बिना आचरण के मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद आपको इधर एडमिशन करने बुलाया, 10वीं पास हो ना सबके सब, तब बोला कि भाई आपको कनिष्ठ में भर्ती होना तो आओ। कोई बोले मैं तो 5th पास हूँ साहब, फिर भी मैं आ जाऊंगा, तो कह रहे नो, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। मिनिमम क्वालिफिकेशन का नाम है अष्ट मूल गुण। जिसे शास्त्र सुनना है, जिसे धर्म करना है, उसे मिनिमम क्वालिफिकेशन की तुम्हें मध्य मास छोड़ करके, मध्य मास मधु 5 औतुंबर फल, अन्य अन्य आचार्यों ने अष्ट मूल गुण में देव दर्शन, जीव दया मतलब पानी छानना, सहानुव्रत पंच कई रत्नकरण श्रावकाचार्य में 5 पापों को स्थूलता से छोड़ना। ये सब कहां चल रहे हम? ये हम चल रहे हैं सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, कि जिसने 8 मूल गुण पाल रहा है, 5 पापों को स्थूलता से छोड़ दिया। अब उसने वहां पर सम्यक दर्शन करके क्या सीखा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। अब उसने ये सीख लिया तो उसे हम बोलते हैं कि ही इज सम्यक दृष्टि। अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम सम्यक दृष्टि, मैं ऐसा मानता हूं तो मैं सम्यक दृष्टि हूं।
अपने इसमें और आपको बता देते हैं, चूंकि आप अब स्वाध्यायी हो और इसमें एक साल पढ़ चुके हो, सिर्फ मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं इसका नाम सम्यक दर्शन है। कह रहे कि नहीं, इससे नीचे आगे भी बढ़ना है। ये तो अन्य मति भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं कि आत्मा अलग है शरीर अलग है। तो जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से निर्णय करके बोलते हैं कि शरीर में नहीं, फिर बोलते द्रव्य कर्म में नहीं, आठ कर्म है। ये आठ कर्म की जो फिलोसॉफी है ये ओनली जैनिज्म में है। 148 कर्म प्रकृति, आठ कर्म, ये सिर्फ जैन दर्शन में है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का भेद विज्ञान है शरीर में नहीं, द्रव्य कर्मसों में नहीं। इन द्रव्य कर्म के कारण क्या होता है हमारे में? राग द्वेष क्रोध मान माया लोग होता है। हम बीमार क्यों होते हैं? द्रव्य कर्म के अस्थिर नाम कर्म के उदय से बीमार होते हैं। ये हवा अच्छी क्यों लग रही है? कि हम शरीर को अपना मानते हैं तो हवा अच्छी लगती है। बिना पंखा के भी रहने वाले रहते हैं और खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, वो शरीर से वो संबंधी विकल्प नहीं रखते। तो भाव कर्म से भिन्न अपनी आत्मा को मानना, राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया लोग है ना, ये सब भाव कर्म है। गुस्सा आता है किसको? आता है जीव को आता है कि शरीर को? माई को गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। जीव को आता है, लेकिन गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है, है ना, स्वविभाव है, विकृत विपरीत भाव है। फिर इसके आगे चलो, चौथे नंबर का भेद विज्ञान कि एक समयवर्ती पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। ये चार प्रकार के भेद विज्ञान होने के बाद में जो शाश्वत स्वभाव है उसमें अपनापन करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन जिसको हो गया उसका गुणस्थान हो गया चौथा। उसमें उसके चरणानुयोग की परिणति में श्रद्धा तो जगी लेकिन आचरण नहीं जगा, अन्याय अनीति अभक्ष छूट गया। हाँ क्या चारो? एक नंबर लिखो, शरीर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान, शरीर से भिन्न लिख लो आप, पॉइंट वाइज लिखो। एक शरीर से भिन्न, दो द्रव्य कर्म से भिन्न, तीन भाव कर्म से भिन्न, से भिन्न के नीचे तो वो कर दो कॉमा कॉमा करके, हाँ डैश डैश। पहला शरीर, दूसरा द्रव्य कर्म, तीसरा भाव कर्म, चौथा एक समय की पर्याय। ये चार भेद विज्ञान जैनियों में होते हैं, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाहर के लक्षण कौन से हैं? तो वो आप जो रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ चुके हो, श्रद्धानं परमार्थानां आप्तारं तपोभृतां त्रिमूलाकोणमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मरणम्। तो ये तीन मूर्ता आठ अंग सहित और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये बहिरंग लक्षण है चरणानुयोग की परिभाषा। हमने उन चार परिभाषाओं में ली नहीं भेद विज्ञान, उसको तो भेद विज्ञान शब्द दिया। तो चौथे गुणस्थान वाले के अभी संयम प्रकट नहीं हुआ, अभी अपन चल रहे हैं अपनी 11 प्रतिमाओं के सीक्वेंस में आ रहे हैं। पहले से हम चौथे गुणस्थान में आ गए, चौथे गुणस्थान में आने के बाद हमने आनंद का वेदन कर लिया कि मेरा सुख मेरे में, तेरा सुख तेरे में, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, इसका नाम है सम्यक दर्शन। मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, हाँ जहाँ शरीर से ही संबंध नहीं है, वो दिया ना, जहाँ रे अपनी नहीं हर संपत्ति पर प्रकट है, स्पष्ट है, सब भेद विज्ञान ही है, लेकिन ये सबको भेद विज्ञान है ना अच्छे से मान्यता सच्ची चाहिए शब्दों में नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जब मेरी चीज नहीं है तो मैं उसमें क्यों रहूं? जब आपने बोल दिया ये इधर आपको आधा घंटे बैठने के बाद में आपका घर नहीं है, आप इधर नहीं सो गए, तो आप कहोगे कि ठीक है क्लास हो गई हम जा रहे हैं अपने घर। ऐसे जब मैंने जान लिया कि मेरा घर ज्ञान दर्शन सुखमयी आत्मा है, शरीर मेरा घर नहीं है, तो मैं शरीर के प्रति आसक्ति कम करता हूँ। कैसे कम करता हूँ? आसक्ति के लिए उदाहरण देखो, आपके लिए अच्छा उदाहरण, आपने बिल्ली को चूहे को पकड़ते हुए देखा है या कबूतर को पकड़ते हुए खाते हुए? वो ऐसा पकड़, देख लो मैं बता देता हूँ वो ऐसे पकड़ती है कि उसके सिर पे आप डंडा भी मारोगे ना तो भी बिल्ली को नहीं छोड़ेगी, बिल्ली उस चूहे को नहीं छोड़ेगी, इतने कठोरता से पकड़ती है। और हिरन, हिरन को देखा है? नहीं देखा, वो भी दिखाओ। वो जब घास खाता है
तो थोड़ी सी हवा चले या आवाज हो जाए, आपको देखना होगा कि इधर देखो अपना जो ये वन विभाग का ऑफिस है, इधर उद्योग भवन और ये आपका संस्कृत महाविद्यालय का वो है ना एक ऑफिस इधर है, ये 22 गोदाम पोलिया के इधर, तो 22 गोदाम पोलिया के इधर वन विभाग का ऑफिस है, तो उसमें उन्होंने हिरन चीतल ये ला करके रखे हुए है उस गार्डन में, और खुले में है वो, मतलब उसकी बाउंड्री है और ऊपर कांटे लगाए ताकि कुत्ते उत्ते आ करके नहीं खा ले करके, तो वो हिरन ऐसे रहते कि आप जाओ वहाँ पर और उसको थोड़ी सी वो जो उसका चारा रहता है वो डालो और आपने थोड़ा जोर से दिया और जाली पे जोर से आवाज हुई तो एकदम ऐसे भागता है छोड़ के कि बस कुछ नहीं चाहिए, इतनी कम आ सकती उसकी भोजन में, बिल्ली को तो मारो सिर पे तो भी नहीं छोड़ती और हिरन छोड़ देता है। ये किसकी निशानी? आसक्ति। आसक्ति को दूसरा शब्द देते ग्रद्धता। ये किसने बताया? ये आचार्य अमृत चंद्र देव ने रात्रि भोजन और दीवा भोजन करने समझाने के लिए आसक्ति के लिए हिरण और चूहे का बिल्ली का उदाहरण दिया कि भाई हिरण की घास खाने में आसक्ति कम, चूहे को खाने में बिल्ली की आसक्ति ज्यादा, ऐसे ही रात्रि भोजन करने में आसक्ति ज्यादा और दीवा भोजन या दिन में भोजन करने वाले की आसक्ति कम, ये इसके लिए उदाहरण दिया। तो अब चौथे गुण स्थान में उसकी आसक्ति घट गई, घट गई तो श्रद्धा शुरू हो गई कि यार जब शरीर मेरा नहीं तो मैं क्यों रात्रि भोजन करूं, मैं दिन में खा सकता हूं, शरीर की संभाल ही तो करनी है, जहां शरीर के सुखिया स्वभाव में मेरा आत्मसन्मुख उपयोग मुझे आनंद दे रहा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन अलोंग विद सेल्फ रियलाइजेशन जब हो चुका है तो मुझे अब होटल का खाने का विकल्प नहीं आता, तो ये अंदर से जिसकी आसक्ति छूट गई उसका गुणस्थान है अभी चौथा। अब उसकी अपने में रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई तो वो बोलता है कि अब मेरे में तो यार इनमें कुछ मतलब नहीं है खाने पीने की चीजों में, तो मैं संयम ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे अधिक से अधिक समय आत्मा में रहने का मिले, तो संयम अंश जग्यो जहां, उसको बोलते जगना। अभी तक क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे। ये तो उन्होंने बनारसीदास जी ने छंद दिया कि भाई तुम्हें यहाँ सोवाते अनंत काल बीते हैं, सदगुरु कहे भव्य जीवन सो, ये आओ मेरे पास मैं तुम्हें तुम्हारे गुण बताऊं, और तुम्हारे गुण ऐसे हैं कि परम सुरस भरे हैं और केवली वचनों द्वारा बताए गए हैं, इतने पर भी हे मित्र अगर तुम सुधरते नहीं हो तो तुम मित्र कैसे पुत्र की दो, चित्र कैसे चीते हैं, मिट्टी के पुतले हो या चित्र में बनाए हुए शेर के समान चित्र हो, ऐसी उपमाएं दी हमने बनारसीदास जी ने। तो अभी यहाँ पर अपन सुनो, पंचम गुणस्थान में आने के पहले कौन से गुणस्थान में रहना जरूरी है? चौथे। चौथे गुणस्थान वाला क्या सोचता है कि शरीर मेरा नहीं है तो मैं शरीर के निमित्त से हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, खुशी नहीं परिग्रह नहीं करूंगा, इनकी प्रवृत्ति को समेटने का नाम है संयम। संयम किसे कहते हैं? पांच पापों की प्रवृत्ति को समेटने का नाम संयम है। इसके दो भेद होते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम तो जानते ही आप, बाहर के जीवों को मारना पकड़ना दबाना वध बंधन आदि करना छोड़ना, ये कौन सा संयम है? प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम कौन सा है? भाई अपने पास ही है सब चीजें, आंख है, कान है, नाक है, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना। संयम मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं होना, वो वास्तविक संयम है। मुझे ऐसा विकल्प ही नहीं आवे। आपको कभी ऐसा सपना आता है कि आप मांसाहार कर रहे हो, कभी भी सपने में खून पी रहे हो, ऐसे विकल्प थोड़े आते हैं हमारे जीवों को। जिन्होंने जैन दर्शन को बचपन से सीखा है उसे कभी स्वप्न में भी मांस खाने का भाव नहीं आता, रक्तपान का भाव नहीं आता, पांचों पापों का नहीं आता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से जैनी मात्र के जीवन में असंयम में भी इतनी सुख भूमिका रहती है। अब वो पांचवें गुणस्थान में आता है तो वो अपने आप को सीमित करना चाहता है। पांचवें गुणस्थान में आना और चौथे गुणस्थान में आने में अंतर क्या है कि अभी तो हमारी अनलिमिटेड चीजें चल रही है, मैं अभी मौका मिले तो विदेश चला जाऊं,
मौका मिले तो मैं एक घूमने चला जाऊं, ये असीमित प्रवृत्तियां। और मैंने देश रत्न लिया साहब कि भारत के बाहर नहीं जाना, तो इस रूप में हम नियम ले लेते हैं तो उसे बोलते संयमित हो गया। अब आप कहोगे कि अमेरिका में ऐसा हो रहा साहब इस तरह की, मेरे को तो जाना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करना मेरे से अमेरिका को, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैंने नियम ले लिया मैं नहीं जाऊंगा। भाई आपको रात को चाय चलेगी कि पानी चलेगा कि दूध चलेगा, अगर रात्रि में पीता ही कुछ विकल्प ही नहीं है। इसका नाम है पंचम मनस्था। धीरे धीरे प्रवृत्ति को अपने में सीमित करने के लिए संयम अंश जगा तो क्या करता है, भोग में अरुचि हो रही है उसको अब इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि सुख तो अंदर से मिल रहा है ना। भाई आप चाय पी के सुखी हो रहे हैं, मैं बिना चाय पिए ही अपने में सेटिस्फाइड होकर सुखी हो रहा हूँ, तो मुझे चाय पीने की जरूरत क्या है, जरूरत है मुझे। बार बार आप होटल का इधर उधर का खाके सुखी होते हो, मेरे को तो अपने सीमित दाल रोटी सब्जी में सुख है। जिसको मीठा अच्छा नहीं लगता वो बोलता है मिठाइयों में सुख नहीं, जिसको तीखा अच्छा नहीं लगता बोलता है फिर चिमक डालना मेरे भोजन पे, सबकी आदत अलग अलग होती है ना। तो जिसने भोगों को अपना रूप नहीं माना उसको हो गया भोग अरुचि परिणाम। अब उसमें वो क्या करता है, उदय प्रतिज्ञा को भयो, वो प्रतिज्ञाएं लेता है और प्रतिमा का होना उसको प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, क्या अर्थ किया मैंने, संयम अंश जगो जहां, जिसने आत्मा को जाना उसमें संयम का अंश प्रकट हुआ और उससे भोगों में अरुचि हुई। देखो सुख कौन देता है, ज्ञान देता है कि वैराग्य, दो चीजें हैं। ज्ञान ये कहता है कि मैं आत्मा हूं, और वैराग्य कहता है कि मैं आत्मा हूं इसलिए मुझे खाना पीना नहीं भोगना नहीं विषयों में अच्छा नहीं लगता। तो ये वैराग्य सुखदायी होता है, वैराग्य चारित्र गुण की अवस्था है। अब यहां से पांचवें गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक चारित्र मोहनी की विवक्षा है, दर्शन मोहनी तो नष्ट कर दिया चौथे गुणस्थान में, ठीक है ना। तो अब चारित्र मोहनी की स्टार्टिंग हो रही नष्ट होने की, तो क्या होता है कि प्रतिज्ञा ले लेता है। क्या प्रतिज्ञा लेता है कि मैं एक ही बार खाऊंगा, दो बार खाऊंगा, या ऐसा लूंगा, या इतने बजे बाद पानी भी नहीं पीऊंगा, इतनी इतनी चीजें मैं हरी चीजें छोड़ दूंगा, सचित्त त्याग सामायिक करूंगा साहब, तीन बार तो मैं आत्मानुभूति करने बैठूंगा तो मेरा उस समय कोई काम धंधा नहीं चलेगा, ऐसे। तो ठीक है ना, भोग अरुचि के कारण जो प्रतिज्ञा लेता है उसे प्रतिमा कहते हैं। आया समझ में अनिका को, समझ में आ गया, क्या समझ में आया, प्रतिमा किसे कहते हैं। जहां संयम अंश प्रकट हुआ भोगों से अरुचि हुई और प्रतिज्ञा लेने का भाव हुआ उस प्रतिज्ञा को प्रतिमा कहते। चार लाइन थी इसमें, चार पॉइंट बना लो, ठीक है, यानी बताओ कि चार पॉइंट। जहां पहला पॉइंट, जहां संयम उसे प्रतिमा कहते, चार पॉइंट पे हो गया बराबर, ठीक है। अब यहां पर देखो आपका पेज नंबर निकालो 21, ये जो मैंने बात बताई ना ये इसमें लिखी हुई है, अविरति सम्यक दृष्टि। इसमें सबसे पहले शुरुआत की तत्वार्थ सूत्र से, जो कि आप लोग पढ़ के आ गए कनिष्ठ में, तो पहला सूत्र पहला अध्याय का सूत्र देकर के शुरुआत की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसमें श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया, अब चारित्र का प्रारंभ करने की भूमिका हो रही है। तो देखो इसमें लिया, मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती, इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अवृत्ति श्रावक कहते हैं। क्लियर हो गया कि भाई उसने प्रतिज्ञा नहीं की तब तक अवृत्ति। देखो व्रत शब्द किसको बोलते हैं, दस लक्षण व्रत कहे ना, तो लोग उपवास को व्रत कहते हैं, क्योंकि बहिरंग तप में दिखने वाली चीज है। एकाशन को तप कहते हैं, है ना, किसी ने रस परित्याग अर्थात कोई रसी पाली हो तो वो उसको तप कह देते हैं। तो ये संयम के ही रूप है, संयम और तप में अंतर क्या है, संयम की प्रवृत्ति स्थूल है, तप की प्रवृत्ति गहरी है। संयम परसापेक्ष होता है और तप स्वसापेक्ष होता है,
आप अनशन का व्रत की संख्या ये सब जब करोगे ना खुद के साथ में अकेले में हो जाएंगे। संयम पर सापेक्ष होता है, आप चढ़ रहे हो तो हम देख रहे हैं कि आप नीचे देख के चल रहे हो, आप चींटी को नहीं मार रहे, तो हमें प्राणी होगा तो प्राणी संयम है ना। आप अगर चल फिर नहीं रहे हो और सिर्फ उपवास करके बैठे हो तो आपका तप हो गया। और संयम में पर सापेक्ष होता प्राणी संयम, इंद्रिय संयम स्व सापेक्ष है, ठीक है। तो ये अंतर संयम की गहराई को तप कहेंगे, तप सूक्ष्म है संयम स्थूल है। संयम बच्चे आबाल गोपाल ले सकते हैं, रात्रि भोजन छोड़ने के लिए क्या कठिनाई है, वो संयम में आएगा। इंद्रिय संयम करने में मैं होटल का नहीं खाऊंगा, लिमिटेड खाऊंगा, दिन में खाऊंगा, ये सब क्या है, ये सब संयम की अवस्था है। और आगे के तप और व्रत जो है वो गहरे होते हैं। तो अभी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चतुर्थ गुणस्थान वाला जो है वही आगे चल के स्वरूप लीनता से पंचम गुणस्थान में आता है। ये हो गई शैली गुणस्थानों की, कर्णानुयोग की शैली में बता दिया पांचवें गुणस्थान में आ गया। और फिर धीरे धीरे जितनी वितरागला की वृद्धि उतनी रागांश घटते हैं, तो रागांश घटने से ये जो हमने आज पूरी परिभाषा समझी वह उसके अनुसार उसकी जो चारित्र की देश चारित्र की अवस्था होती है। तो देखो यहाँ पर वो परिभाषा दी है, देखो सम्यक दर्शन पूर्वक, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञान स्वरूप में पंचम गुणस्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है और वही निश्चय से प्रतिमा है। ये आपको हर जगह लिखना पड़ेगा, आगे 11 प्रतिमा लिखेंगे ना, तो हर जगह निश्चय प्रतिमा लिखना पड़ेगा। हम बोलेंगे दर्शन प्रतिमा तो लिखना पड़ेगा आत्मानुभव निश्चय प्रतिमा के साथ, जो 8 मूल है इसके निश्चय के बिना व्यवहार कैसे होगा, स्वरूप ऐसा है। ये नाक यहीं पे क्यों, इधर पीछे क्यों नहीं, स्वरूप ही ऐसा है। अहेतुवाद का नाम है कर्णानुयोग। ये आंखें है ना दो दो, मैं तो बहुत बार उदाहरण देता हूँ, एक आंख आगे दे दी एक आंख पीछे दे देते तो हमें पीछे का भी दिख जाता, लेकिन किससे शिकायत करें। अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि स्वरूप ही वही जानेंगे, इसमें कोई तर्क नहीं चलता कि ऐसा ही स्वरूप है। अगर किसी को पीछे आंख मिल जाएगी तो लोग उसे मनुष्य नहीं मानेंगे और उसे डर के बच जाएंगे, इसलिए जो स्वरूप है वही है। हाँ, निश्चय प्रतिमा की परिभाषा ये इसमें से देखो, ये लिखा है ना नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। हाँ, ये परिभाषा सब लोगों को आनी चाहिए, निश्चय प्रतिमा किसे कहते हैं। देखो आपका पेपर कैसे बनना है मालूम है, रिक्त स्थान की पूर्ति, एक एक शब्द में उत्तर, दो और तीसरा एक वाक्य में उत्तर, 10 10 10 30 नंबर का पेपर बनना है। एमसीक्यू भी नहीं रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे, आपको तो एक शब्द परफेक्ट आना चाहिए। लेकिन हालांकि इसमें कॉपी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हम पहले उसको बोल देते हैं कि भाई देख ये एक जीवन एक भाव का काम नहीं है, धर्म की परीक्षा है ना, ईमानदारी पहले रखो, अब मार्क्स आए तो भी सब पास होंगे, ये भी गारंटी है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सुनो, इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। हम पूछेंगे निश्चय प्रतिमा की परिभाषा, तो आपको फटा परिभाषाएं आएंगी, 10 10 प्रतिमा की कोई भी, 11 में से 10 प्रतिमा की परिभाषा पूछी जाएंगी, एक लाइन में उत्तर आएगा, एक एक जन बोलो। हाँ बोलो आदि, क्या बोल रहे हैं, एक लाइन में एक शब्द में उत्तर है सब दोनों। जो क्वेश्चन में परिभाषा पूछेंगे उसमें एक सेंटेंस या दो सेंटेंस आएंगे, और जिसमें हम बोलेंगे कि आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने का नाम क्या है, तो आप लिखोगे निश्चय प्रतिमा, एक शब्द में उत्तर हो गया इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखो इसकी परिभाषा में सम्यक दृष्टि का इन्होंने वर्णन किया, बनारसी दास जी ने ये सम्यक दृष्टि को वर्णन करने वाला छंद भी अच्छा दिया है, ये भी याद करने लायक है। सत्य प्रतीति अवस्था जागी, दिन दिन री करे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे धातो। बस इतना ही है,
क्या बता रहे? देखो सत्य स्वरूप समझ में आ गया। किसको सत्य स्वरूप समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि को। सुनो, दिन दिन रीत गए समता की, दिन प्रतिदिन समता बढ़ती जा रही। जैसे अनुभव हो गया आत्मा का, जैसे हम कनिष्ठ पास हो गए, वैसे हमें सेटिस्फेक्शन हुआ कि हम आगे की क्लास में आ गए। सेटिस्फेक्शन होता है ना, संतोष, उस संतोष का नाम है समता। उसे सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई मैंने देह से भिन्न शुद्धात्मा को पा लिया, अपने ये का हर्ष बहुत है। ये शब्द लिखते पंडित टोडरमल जी, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लिए, कि उसे खुशी है। खुशी है तो वो काम आगे चलता रहेगा। अगर स्मारक में आने के बाद आपको घर घर की ही याद आ रही है और उधर दोस्तों के बीच में, पढ़ाई के बीच में खुशी नहीं है, तो फर्स्ट कनिष्ठ के बाद वरिष्ठ में आने में कितने बच्चे कम हो गए? दो। उनको खुशी नहीं मिली। ये क्लियर हो गया? हाँ, तो इस रूप से समझ लेना चाहिए। तो सत्य प्रतीति अवस्था जाती। सुनो सुनो सुनो, दिन दिन रीत गहे समता की, समता की रीत प्रारंभ हो गई। छिन छिन करे सत्य को साको, बार बार सत्य का साक्षात्कार करता है। समकित नाम कहा वे ताको। भाई अपने को जैसे कोई खजाना मिला, अलॉटमेंट आया अच्छी चीज का जो दुर्लभ थी, तो हम उसे बराबर केयरफुली संभालते हैं। ऐसे ही आत्मा का अनुभव जिसने किया, वह अपने आत्मनिधि को बार बार निरखता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। इस तरह से सम्यक दृष्टि का लक्षण यहाँ पर बताया। और फिर बाद में वे बोल रहे हैं कि अब उसे चारित्र ग्रहण करने का भाव आता ही आता है, और उसके लिए वह पंचम गुणस्थान की भूमिका को ग्रहण करता है, और वहां पर उसे यह संयम अंश जगना प्रारंभ होता है। संयम का अंश जागृत नियम से, भोगों की अरुचि से होता है। अगर मुझे खूब इच्छा है कि भोजन करना है और मुझे जबरदस्ती उपवास करा दिया जाएगा, तो मैं दुखी होऊंगा। और मैंने अंदर से सोच लिया कि यार इसमें खाने पीने में क्या रखा है, और आज भोजनालय में मेरे मन पसंद सब्जी नहीं बनी है, तो हम अपने मन को डाइवर्ट कर देते कि आज मुझे तो खाना ही नहीं है। अब इसमें मन पसंद के जगह ये अभक्ष्य, अन्याय और अनीति ले लेता है। सम्यक दृष्टि को जब आत्मा ही मन पसंद रहा है, तो अन्याय अनीति अभक्ष्य का कोई प्रसंग बनता है तो वो भूखा रह लेगा, लेकिन अभक्ष्य का सेवन नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, काम छोड़ देगा, अनीति नहीं करेगा। क्या होता है अंतर? अभक्ष्य, अन्याय और अनीति के भेद। अभक्ष्य किसे कहते हैं? जो खाने योग्य नहीं है। और अन्याय और अनीति में अंतर क्या है? एक जन बताना, हाथ ऊंचे करवाओ। अन्याय अनीति में अंतर कौन बताएगा? सोच के बताओ। गलत हो तो कोई पनिशमेंट नहीं है, आपस में मत बोलो। हाँ बताओ बेटा, बोलो अभी बताएगी। हाँ इन्होंने कहा देश के खिलाफ किया हुआ कार्य वह अन्याय है, और अनीति मतलब समाज के खिलाफ किया हुआ कार्य वह अनीति है। इससे अलग किसी को कुछ बोलना है? सब यही है। अब इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं। देखो नीति के दो भेद होते हैं, एक होता है सामाजिक नीति और दूसरी होती है धर्म नीति। धर्म नीति धार्मिक चरणानियों की हमारी धर्म नीति है। भाई समाज में आपको रात्रि भोजन करने पे कोई प्रॉब्लम पाबंदी नहीं है, होटल का खाने में कोई समाज में रोक टोक नहीं है। समाज में कानून के अनुसार जो मतलब जो स्थूल समाज है, जैनियों में या अजैनियों में, जैसा भी सामाजिक समाज हमारा कौन सा हो सकता है? जैनों का समाज भी है, गैर समाज भी है, अजैन लोग भी है। धर्म नीति के अनुसार विपरीत नहीं चलना, उसे कहते अनीति का त्याग। समाज नीति तो बदल सकती है, और जो राजनीति या देश की नीति है उसको कहते हैं अन्याय। जिसमें कानून विरुद्ध हो, लोक विरुद्ध होता है, उसे कहते हैं अन्याय। जिसे पुलिस पकड़ के ले जाती है वो अन्याय के खिलाफ, जिसमें सजा होती है वो अन्याय। हमने किसी की पैर उठा के चोरी कर ली,
तो चोरी करने पे पुलिस हमें जेल में डालेगी, तो वह अन्याय है। हमने अन्याय किया ना किसी की चुराना, और हमने रात्रि में छुपे छुपे खा लिया, तो कह रहे उसको पुलिस पकड़ेगी नहीं, पुलिस के हिसाब से कोई कायदा नहीं हुआ, लेकिन वो अनीति है। धर्म नीति के अनुसार रात्रि भोजन करना अनीति है। समाज में भी कोई आप अजनों के दो बीच में रहते हो तो कोई बोलेगा क्या हुआ रात को खाया, तो हम तो रोज ही खाते हैं। इस तरह से तो समाज नीति में भी उसे गलत नहीं समझेगा, लेकिन धर्म नीति के अनुसार वह गलत हुआ, इसे बोलते अनीति। तो सम्यक दृष्टि जीव अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग के साथ रहता है। अब उसे वैराग्य बढ़ गया तो वह प्रतिज्ञा लेने लगता है, संयम लेता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बनारसीदास जी का छंद दिया कि वह उस रूप में भोगों की अरुचि होने से प्रतिज्ञा को ग्रहण करता है और उसे प्रतिमा कहते हैं। अब पहली प्रतिमा बता दी, दर्शन प्रतिमा। प्रतिमाओं के नाम भी दिए। अब इसमें पहले समझ लो प्रतिमा के भेद कितने हैं। तो देखो इसमें 11 भेद दिए, ये मुख्य भेद है। वास्तव में बनारसी दास जी का एक छंद है कि भाई हमारे दिन भर में हम कितना सोच विचार करते हैं। जब वे अर्धकथानक लिखने के लिए बैठे तो वे सोचने लगे मैं क्या क्या लिखूं, मैं 55 साल का अपना कैरेक्टर लिख रहा हूं और मेरे तो हालत ऐसी है। केवली भगवान ने बताया, क्या बताया, एक जीव की एक दिन होय दशा जेती, कह न सके सो केवली जाने यद्यपि ठीक। एक दिन में अपने इतने सारे विचार होते हैं कि वे विचार, बहुत से लोग तो जड़ जैसा जीवन जीते, सोचते ही नहीं, सिर्फ खाना पीना और बस लोग नहीं थे, अपना रोज का संभालने में ही समय रहा। लेकिन जो सोचने वाले जीव होते हैं उनके इतने विचार होते हैं कि उसे केवली भगवान भी नहीं कह सकते। क्या मतलब हुआ, केवली भगवान कितने शब्दों को बताते हैं, केवली भगवान के वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि को गणधर देव आगम में निबद्ध करते हैं। वह द्वादशांग के अक्षर 20 डिजिट्स प्रमाण होते हैं, 20 अंक प्रमाण जिनवाणी के अक्षर है। आपने सरस्वती पूजन की होगी ना, उसमें दिया ना 112 गोड़ी बखानो लाख 83 ऊपर जानो 58 सहस पंच अधिकाने एक एक पद के ये भाने, कि भाई इतने पद हैं और इसकी पूरी संख्या के अनुसार 20 अंक प्रमाण जिनवाणी के अक्षर है। मतलब शब्द वर्गणाएं तो है संख्या, और हमारे विचार कितने हैं, संख्या से आगे असंख्या। इसलिए हमारे इस विकल्पों को केवली भगवान जानते तो हैं, लेकिन कहने के लिए शब्द ही लिमिटेड है। दूसरा, हम इस समय जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में ये है, तो इस समय आपको नमोकार मंत्र का ज्ञान है या नहीं है, है कि नहीं। आपने सम्यक शिखर की होगी तो उसका ज्ञान है या नहीं है। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ करे, घर कैसा आपका, मम्मी पापा के, सब ज्ञान है। एक साथ अभी प्रेजेंट हुजूर है, विद्यमान है ना। हाजरा हुजूर शब्द बोलते हैं उसको गुजराती में, कि हाजरा हुजूर मतलब साक्षात विराजमान है वो ज्ञान। लेकिन हम उपयोग किस में लगा रहे, 11 प्रतिमाओं में। हमारे विकल्प अबुद्धि पर पूर्वक के अनेकों चलते रहते हैं। जैसे इसकी आवाज भी आ रही है बर्तनों की, तो फटाक से हमारा दिमाग आता है कि अब तेज आ गई, और फटाक से अपन इधर डायवर्ट कर लेते हैं। ऐसे चलता रहता है ना, इधर आर्जव ने कुछ किया तो हमारा ध्यान उधर गया, फिर उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई नहीं, दिमाग में नहीं रखना है, आगे चलना है। तो इस तरह से चलते हैं, तो अनेक अनेक प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं, और मुख्य रूप से कभी एक चीज को कौन मुख्य कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी जो पद्धति चलती है इसमें हम एक साथ एक विकल्प नहीं करते, अनेक करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बता रहा हूं मैं कि हम अनेक विकल्प करते हैं। तो दिन भर के विकल्प को दिया असंख्या। प्रतिमाओं के भेद असंख्यात होते हैं। पहला,
स्थूल रूप से उसे 11 प्रतिमा में बनाया बताया गया है। जघन्य रूप से पांचवा गुणस्थान रूप एक ही भेद है। क्या बताया मैंने? पांचवे गुणस्थान की अपेक्षा एक भेद है, क्योंकि पांचवे गुणस्थान में 11 प्रतिमा आ जाएगी। जैसे कर्म कितने हैं? कर्म आपको एक है कि 8 है। हम कहेंगे उत्तर प्रकृति की अपेक्षा 148 है, हम कहेंगे कर्म तो कर्मत्व की अपेक्षा एक ही है, द्रव्य कर्म भाव कर्म की अपेक्षा 2 है। अलग अलग अपेक्षा है ना। द्रव्य कितने होते हैं? 6। जाति अपेक्षा 6 है, बाकी तो अनंत है कि नहीं। स्वभाव की मेरे अपेक्षा में कौन एक ही द्रव्य हूँ, मैं 5 द्रव्य रूप नहीं हूँ। अपेक्षाओं के साथ वर्गीकरण चलता है। तो 11 प्रतिमा एक स्थूल विवक्षा है, ठीक है। इन 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा का नाम दिया है दर्शन प्रतिमा। ये आपने सुनी है दर्शन प्रतिमा? किसी ने सुनी हो तो हाथ ऊंचा करो। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं बताओ? सुनी है? पता नहीं है, सुनी है, नाम सुना है दर्शन प्रतिमा। दर्शन नाम बहुत सारे लोगों के होते ना, दर्शन है हाँ, तो दर्शन प्रतिमा है। अब इसको लोग ऐसा मानते हैं कि हम नियम से जिन दर्शन करेंगे इसको जिन दर्शन प्रतिमा कहते हैं। बहुत सारे जन इसको इस तरह से लेते हैं कि जिन पर दर्शन करने की प्रतिमा, कि भाई हम बिना दर्शन के मुंह में पानी नहीं डालेंगे, बिना दर्शन के हम भोजन नहीं करेंगे वगैरह, ये दर्शन प्रतिमा का स्वरूप नहीं है। देखो क्या स्वरूप है, तो वो अपन पढ़ते हैं। देखो, 8 मूल गुण संग्रहे कुवसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सो। देखो दो कंपलसरी शर्तें, 8 मूल गुणों को पालन करेगा गारंटेड, और दूसरा दे दिया कुव्यसन। सत्व्यसन को कुव्यसन कहते हैं। व्यसन किसे कहते हैं? ये तो आप पढ़ चुके होंगे, हाथ ऊंचा करना। व्यसन किसे कहते हैं? अच्छे से बताओ भाई, बराबर नहीं हुआ। हाँ बताओ, तुम बताओ। आदत को व्यसन कहते हैं। सिर्फ आदत को व्यसन कहते हैं? हाँ ठीक है, हाँ इसीलिए बैठो 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 बैठो। व्यसन कहते हैं किसी भी बुरी आदत को, व्यसन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुव्यसन शब्द करके और स्पष्ट कर दे रहे कि स्पष्ट रूप से बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। और ये व्यसन आपने पढ़े होंगे, कुव्यसन कितने होते हैं? 7 होते हैं, और सबके नाम भी आते होंगे आपको। उसको अपन एक जन कोई बता दे मुझे। हाँ बताओ आयुष। हाँ सुनो, सब लोग सुनो, चंद बोल दो। इसके अलावा भी कोई छंद आता है? बोलो। जुआ खेलना मांस मद वेश्या गमन शिकार, चोरी पर रमणी रमण सातो व्यसन निर्वार, ठीक है। अब बताओ नाम बता दे सातो व्यसन के। हाँ सुनो सुनो, जुआ खेलना, मांस खाना, चोरी करना, शिकार खेलना, वेश्या गमन, हाँ परिस्थिति गमन, हाँ घोड़े और शिकार लास्ट का, ठीक है ना। जुआ खेलना, मांस मध्य, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परमणि रमण, सातो व्यसन निर्वाह, ये बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। दूसरा, अच्छी आदत को व्यसन शब्द नहीं देते, उसे संस्कार नाम देते। अच्छी आदत, आप मंदिर जाते हो, मंदिर बिना नहीं रहते हो, स्वाध्याय बिना नहीं रहते हो, तो इसको क्या बोलेंगे? आदत होगी हमें स्वाध्याय करने की, प्रवचन करने की, ऐसी जो आदत होती है इसे संस्कार देते, व्यसन नाम नहीं देते। किसी भी आदत को बुरी आदत के शब्द में व्यसन शब्द प्रिय है, वो प्रसिद्ध है, समभी रूढ़ नहीं है ना, कौन सा शब्द किसके लिए वो रूढ़ हो गया है। तो व्यसन शब्द पूरे अर्थ में बोला जाता है, सिगरेट पीने की आदत हो गई साहब, शराब पीने की हो गई, गुटखा खाने की हो गई, ये सब क्या है? व्यसन है।
तो इस तरह से सात प्रश्न की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। कल से अपनी दो दो प्रतिमाएं नियमित चलेगी और अपना 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अच्छे से समझेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।